नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के जो नवीनतम जो नया सिलेबस जो डाला गया है उसके संदर्भ में। प्यारे दोस्तों, पहली बात तो मैं कंफर्म ये कर देता हूं कि ये जो सिलेबस अपलोड किया गया है ये सीधी भर्ती के लिए है, यानी रीट लेके लिए जो पहला होता था, यानी मैं कहूं एक प्रकार से भाषा में जैसे प्री रीट के लिए, तो वो तो यथावत रखा गया है, जो पहले था वही रहेगा। जो सेकंड एग्जाम होगी रीट लेवल फर्स्ट के लिए और रीट लेवल सेकंड के लिए, ये जो सिलेबस अपलोड किया गया है उस सेकंड एग्जाम या मैं कहूं सीधी भर्ती के लिए अपलोड किया गया है। आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीत फागना जी। नमस्कार। इंग्लिश और पेडागोजी के विशेषज्ञ, साइकोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, तो सर से भी हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि जो ये नवीनतम सिलेबस अपलोड किया गया है तो इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या चेंजेज किया गया है। तो सर एक बार आप विद्यार्थियों को बताओगे कि जो ये नवीनतम जो सिलेबस अपलोड किया है इसमें क्या मतलब रहा, आसान हुई है या कठिन हुई है और कितना क्या परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सा आप, और कौन सी चीज यथावत रखी गई है तो उनके बारे में भी आप बताओगे एक बार। देखिए, ज्यादा इसमें कुछ कठिन नहीं है, रहा बिल्कुल आसान है और जो मेहनत करेगा उसी को उसका परिणाम मिलेगा जी। अब ये नहीं है कि जो विद्यार्थी कम मेहनत कर रहा है, विद्यार्थी बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा है, तो उनमें अब स्पष्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको अब स्पष्टता से मिलेगा। जैसा कि इसमें है, पहले क्या होता था कि रीट से सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए कोई बंदा इंग्लिश का है, कोई साइंस का है, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था। अब इसमें जो, जैसा कि मैं बताऊँ कि इंग्लिश में के जो है, इंग्लिश विषय में कहीं से एडिशनल कर लिया उन्होंने, और एडिशनल के बाद में उन्होंने इंग्लिश विषय चूज कर लिया और 10-20 क्वेश्चन ला करके और वो इंग्लिश के टीचर बन जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, पहली बात तो इसमें एक तो ये कर दिया थोड़ा सा, जो मेरे को लगा सर, मैंने जो एनालिसिस किया, इसका अध्ययन किया सिलेबस का, कि पहले भी 150 क्वेश्चन आते थे और अब भी 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी यथावत है। नंबर अगर बदला है तो पहले 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते थे और अब 300 के कर दिए। पहली बात तो ये है। और दूसरा जो एडिशन किया है सर इन्होंने, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और अब 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, तो 300 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन वही होंगे, 150 क्वेश्चन ही होंगे और टाइम अपने को वही 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। बिल्कुल 2.5 घंटे। हाँ, टाइम पहले भी 2.5 घंटे का मिलता था, क्वेश्चन 150 होते थे, लेकिन सिर्फ दो चीजों में बदलाव किया है कि एक तो 150 नंबर की जगह वो 300 नंबर के कर दिया और सेकंड सिर्फ उसमें माइनस मार्किंग जोड़ दिया, माइनस मार्क, हाँ 1/3, हाँ 1/3 कर दिया है। इसके अलावा दूसरा जो विद्यार्थी का जो क्वेश्चन था कि सर ये इस एग्जाम के लिए यानी प्री के लिए सिलेबस आया है या ये मेंस का सिलेबस आया, तो ये भी कंफर्म हो गया मेंस कि ये मेंस का सिलेबस है, प्री का वही रहेगा जो पहले था, पहले वाला था, है प्री का वही। दूसरी चीज इसमें एक बार आप देखोगे कि जो सेकंड लेवल की हम पहले बात कर रहे थे, रीट लेवल सेकंड, तो रीट लेवल सेकंड का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चीज जोड़ी गई है, एक बार आप बताओगे इसमें विद्यार्थियों को कि कौन कौन सी चीज जोड़ी है इसमें नई। अब इसमें जो सेकंड जो पेपर है, जिसको हम कह रहे फाइनल पेपर कह रहे हैं, उसमें जो राजस्थान के जीके का जो वेटेज है वो बहुत अधिक दिया गया है, ताकि बाहर के बच्चों को रोका जा सके, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको रोका जा सके। इसके अलावा जो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो आती थी, बिल्कुल, तो रीट लेवल सेकंड में से वो भी कर दिया। कई विद्यार्थी ऐसे होते थे जिनको संस्कृत नहीं आती थी, मजबूरन उनको लेनी पड़ती थी हिंदी और संस्कृत इंग्लिश में से, उनका भी, उनकी राह भी आसान हो गई कि वो सिर्फ जीके, तो जीके तो अमूमन सभी को अच्छी लगती है, पसंद भी होती है, पढ़ने में रुचि भी होती है, बिल्कुल, तो वो एक तो ये रहा आसान हो गई। और एक विषय ये रहा आसान हुई है कि जो सब्जेक्ट का आदमी है उसको अपने सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है और अपने सब्जेक्ट, यानी उसको परफॉर्मेंस करने का पूरा मौका मिलेगा, वो खुला मैदान है, जितना चाहे वो अपनी मतलब ताकत दिखा सकता है इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, एक बार बताओ कि कितने कितने नंबर किस किस के जुड़ेंगे, तो वो भी विद्यार्थियों को एक बार बता दीजिए। देखिए, सेकंड लेवल में जी इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और राजस्थान का कल्चर है, यानी तीनों मिलाकर के 70 नंबर के, तो ये हो गए। इसके अलावा फिर उसके बाद में राजस्थान का जो जनरल जो नॉलेज है जी, सामान्य ज्ञान हम कह सकते हैं, शैक्षिक परिदृश्य है, IIT है और शिक्षा का अधिनियम, इसको मिला करके ये तीनों चारों चीज मिला करके 60 नंबर की है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज जोड़ी गई है, बाकी अपना सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट जो एसएसटी से है तो उनका एसएसटी आएगा, जो इंग्लिश से है उनका इंग्लिश आएगा, मैथ्स का है तो कोई मैथ्स का आएगा, तो उसके 120 क्वेश्चन जोड़े जाएंगे। ठीक है, 120 ये हो गए और 70 और 60 वो हो गए, ठीक है, 130 उधर हो गए। यानी उसके बाद में शैक्षिक जो 250 क्वेश्चन तो अंक तो हो गए, अब 50 अंक और बचे, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा एक बार? 50 अंक में पूछा जाएगा सर आपका शैक्षिक रीति विज्ञान है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि शैक्षिक रीति विज्ञान क्या होता है। हम अमूमन क्या होते हैं कि शिक्षण विधियों को ही हम एक बहुत बड़ा पार्ट मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यानी जो रीति विज्ञान है, शैक्षणिक रीति विज्ञान है, वो इसको अपन कहते हैं पेडागोजी। अब इसका शिक्षक का मतलब क्या था कि मुझे शिक्षक बन गया और मुझे जाकर विद्यालय में पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है। अब बच्चे को क्योंकि आप सबसे जो नई शिक्षा जो पद्धति है वो मोस्टली ध्यान दे रही है किस पर? निर्माणवाद पर, कि बच्चे का संज्ञान किस प्रकार से डेवलप किया जाए। तो वहां वो पेडागोजी बताती है कि हाउ टू लीड, आपको बच्चे का आपको नेतृत्व कैसे करना है, आपको उसको पढ़ाना ही नहीं है। यानी बच्चे के ज्ञान ऑलरेडी है, उसके यहाँ है, उसके विज्ञान उसको बाहर लाना है, मतलब उसको बाहर लाना है, बाहर लाना है, बाहर लाना है। तो एक तो ये पेडागोजी के जोड़े गए 20 अंक जोड़े गए, इसके अलावा और 10 अंक शायद वो एजुकेशन साइकोलॉजी है, 20 नंबर की, 20 नंबर एजुकेशन साइकोलॉजी जोड़ी गई है, और इसके अलावा 10 नंबर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है तो वो जोड़ी गई है। तो इस प्रकार से मिला करके और रीट लेवल सेकंड के 300 अंक होते हैं, और मैं तो कहूंगा राह बहुत आसान हो गई है पहले के बजाय, क्योंकि मजबूरन कहीं को इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी, संस्कृत पढ़नी पड़ती थी, जबकि वो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बाद में अब तक ग्रेजुएशन में और बीएड के दौरान कहीं पे भी 4-5 साल से उन्होंने नहीं पढ़ी। एक चीज तो, और मैं बताऊं सर आपको जी, कि जो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट का पेपर उन्होंने स्पष्टता बताया है कि उसमें कठिनाई स्तर का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक का हो सकता है। अमूमन अगर वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा और कठिनाई अगर आती है तो यानी ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मुझे रेट लगाना है, मेरे सिलेबस में नहीं था, सिलेबस से बाहर स्पष्ट कर दिया गया है जी कठिनाई लेवल। हम बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट के बारे में, तो एक बार रीट लेवल फर्स्ट के बारे में भी विद्यार्थियों को बता देते, काफी विद्यार्थी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट में क्या क्या परिवर्तन हुआ है कि रीट लेवल फर्स्ट का यानी प्री का जो एग्जाम जो कंप्लीट हो चुका है उनका तो इसी आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा, और जो प्री होगी उसमें उसके लिए तो वही सिलेबस रहेगा पहले जो यथावत रहता था। ये मेंस का सिलेबस है और मेंस का सिलेबस में वही 300 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे टाइम ड्यूरेशन मिलेगी अपने को, और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट क्या मिलेंगे, यानी जो भौगोलिक प्रदेश और उसको बताइए आप एक बार अपनी बात। देखिए वही उसमें जैसे आपके राजस्थान के ज्योग्राफी है जी, हिस्ट्री है और कल्चर है, तीनों मिला करके इसमें शायद 90 नंबर हैं, 90 नंबर की जुड़ा जाएगा, यानी 45 क्वेश्चन आएंगे कहने का मतलब, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 45 क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज सेकेंडरी पे क्या आएगा? सेकेंडरी राजस्थान का सामान्य ज्ञान है जी, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी है, शिक्षा का अधिनियम है, ये टोटल मिला करके 90। यानी ये दो टॉपिक तो दो यूनिट तो सेम हो गई, फर्स्ट लेवल की भी यही थी और सेकंड लेवल की यही थी। फर्स्ट लेवल में ये था कि फर्स्ट लेवल में 90-90 अंक के हैं और सेकंड लेवल में एक 70 अंक का था और एक 60 अंक का था, साफ साफ है, ये सही था ना? ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक परिदृश्य उसमें क्या है जैसे? और इसके अलावा इसमें 10 नंबर की हिंदी है जी, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की मैथ है, और बाकी उनके सारे वो शैक्षणिक जो रीति विज्ञान है जिसको हम पेडागोजी कह रहे हैं जी, और वो बिल्कुल वो पेडागोजी कि आपको किस प्रकार से बच्चे का नेतृत्व करना है वो सारी चीजें मिला करके, बाकी ये 8-8 नंबर के सारे ये है। अच्छा, मतलब जो अपन कह सकते हैं उनके लिए ये शिक्षण शिक्षण अभिरुचि बोलते हैं, हाँ शिक्षा अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि उनके 8-8 नंबर की पूछी जाएंगी, हिंदी की 8 नंबर की आएंगी, यानी पहले जो प्रीम आती वो शायद मेरे को लग रहा संभव तो 15-15 नंबर की आती थी और 40 नंबर की होती थी, अब ये 8-8 की कर दी है, 8-8 नंबर की, यानी 8 की हिंदी की, 8 की इंग्लिश की, 8 की मैथ, जैसे 10 नंबर की हिंदी जोड़ी है तो 10 में 8 नंबर 18 नंबर की हिंदी हो गई, 18 की मैथ हो गई, इस प्रकार से। इसके अलावा जो नेक्स्ट लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्यों? फिर आपका साइंस का है 20 नंबर की। अच्छा, 20 नंबर की साइंस पूछी जाएगी, बिल्कुल। और इसके अलावा और आपका यानी तकनीकी वाला भी इसमें है क्या? हाँ, इसमें सामाजिक जो अध्ययन है वो सामाजिक अध्ययन होगा आपका
20 नंबर का। तो यानी इस प्रकार से मिला करके ये भी कितने अंक का हो जाएगा, इनका भी 300 अंक का होगा। सूचना तक इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी 10 नंबर की जोड़ी गई है। तो ये करके और ये 300 अंक का इनका 300 अंक का होगा, वही 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी मैं कहूं कि एक प्रकार से थोड़ा सा सिर्फ एक चलनी और लगा दी है, वो जो लार्ड मेकाले का जो टपकन सिद्धांत था वो थोड़ा सा एक बार इसमें एक बीच में स्टेप बढ़ा दिया है, बाकी रहा बाहर आ सके ताकि मतलब क्रीम को और मंथन और अच्छे से मंथन हो सके और इसका मतलब एक अच्छे जो टीचर विद्यार्थियों को मिल सके, समाज की अच्छा जो नेतृत्व कर सके बच्चों का, एक उज्जवल भविष्य जिसकी कामना करते हैं, और एक मतलब अच्छे शिक्षक तैयार होंगे तो ऑटोमेटिक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, समाज को उसका लाभ मिलेगा। तो उस दिशा में एक सरकार ने काम किया है तो काफी अच्छा है, और सही टाइम पे ये सिलेबस भी डाल दिया गया है। तो हम सभी विद्यार्थियों से क्या कहना चाहेंगे, एक बार मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए, और गुड बेटर बेस्ट, और बहुत अच्छे से ढंग से आप पढ़े, जितनी मेहनत कर सको, बस आपके लिए एक और मौका मिल गया। यानी बहुत अच्छा, तो शानदार मौका, इसमें रिजल्ट आ जाता तो पता नहीं कहीं का क्या होता, लेकिन उनके लिए एक सुनहरा अवसर, ये आपके लिए एक ऑफर मिला है, तो इसको यूं ही नहीं गवाना है, बहुत शानदार ढंग से तैयारी करनी है और मजबूती से डट करके, जो अभी तक हम नहीं कर पाए तो वो कहते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी प्यारे दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पे आप जुड़े रहें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सभी मित्र, ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां सर्च करेंगे ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन, तो जब ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करोगे तो तीसरे चौथे नंबर पे एक येलो कलर की पट्टी आएगी जिसमें लिखा हुआ है डिस्कवरी क्लासेज रन बाई पुष्पेंद्र सर, आपको उसको डाउनलोड करना है, और उसमें रीट लेवल फर्स्ट रीट लेवल सेकेंड 21 पेपर आपको अपलोड किए गए हैं, और मात्र जो सर्वर चार्ज न्यूनतम, यानी जो एक प्रकार से मैं कहूं नेट का जो चार्ज लिया जा रहा है आपसे इंटरनेट वाला, 199 में आपको उपलब्ध है। फटाक से आप डाउनलोड कीजिए ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो, आपको हम अवगत करवाते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।